वहां से निकाल लो वहां से। I got broads in the land, she took the me in the fan, credit cards and the scams, hitting the licks in the band, legacy. So, what's up, people? Good morning, everyone. Welcome back to the channel, everyone. I hope you are doing absolutely fine. So, आज हम लोग ऋषिकेश के लिए निकल रहे हैं. टोटल हम लोग सात बंदे हैं, चार बाइक हैं. सात बंदे हैं केमू, जोशी, अखिलेश, अनिल, सौरभ, मैं और प्रियांश. तो अभी हम लोगों ने मीटअप पॉइंट निकाला है और राम मंदिर का जो मैट्रिक्स है वहाँ पे. तो अभी हम लोगों निकलने का प्लान था 4 बजे, मगर अभी पहुँचते हम लोगों को बज गए 5. अब हम फटाफट यहाँ से निकलेंगे. फटाफट सबसे पहले आप देख लेंगे मुजफ्फरपुर से आगे. तो अभी यहाँ से फटाफट निकलते हैं. अभी प्रियांश कह रहा है कि सेल्फी ले लेते हैं, तो पहले सेल्फी ले लेते हैं फिर निकलते थोड़ी देर में. तो अब हम फटाफट यहाँ से निकलते हैं और लीड में वो करना है क्योंकि मैप मैंने लगा रखा है फिलहाल. और हम यहाँ से नोएडा से हमें गाज़ियाबाद होते हुए निकलना पड़ेगा क्योंकि अभी हम नोएडा के पास खड़े हुए हैं. तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम निकलते हैं क्योंकि लेट हो चुका है काफ़ी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. फिलहाल मैप तो हमें यहाँ से दिखा रहा है कि अक्षीधाम से हमें यू टर्न लेके वही गाज़ियाबाद की तरफ निकलना पड़ेगा. तो अभी हम फिलहाल यू टर्न ले रहे हैं यहाँ से. एक बात तो है कि यहाँ के रोडें काफ़ी मस्त है नोएडा वाले, नोएडा साइड के जो गाज़ियाबाद साइड जाती हैं. अगर आप कभी नोएडा आए हो तो आपको पता होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ. और सुबह सुबह का मौसम, सुबह सुबह का टाइम है तो ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, वरना पीक टाइम में आओ तो यहाँ पे बिल्कुल बैंड बज जाती है ट्रैफिक में. हमने अभी तक 80 किलोमीटर कर दिया है और हम यहाँ पे चाय ब्रेक के लिए रुके हुए थे यहाँ समवेयर नियर मुजफ्फरनगर और आई डोंट नो बगल. हमने ये इस बार नया रूट लिया हुआ है. ये बिल्कुल सीधा हाईवे है आगे तक, आगे जाके हाईवे मिलता है. कहाँ पे? हाँ ये तो भाई गांव जा रहे थे. भाई नहीं गांव नहीं जाना भाई, इसके जाना गांव नहीं जाना, इसके जाना है. हाँ भाई नहीं रुकना, चल रहा है इसके जाना गांव, किसी गांव.
सो वी आर इन ऋषिकेश अगेन। तो हम लोग का सर्टन प्लान बन गया था ऋषिकेश आने का, और हम लोग फिलहाल अभी ऋषिकेश में हैं। सुबह हम 5 बजे निकले थे, काफ़ी जद्दोजहद पर हम ऋषिकेश पहुँचे हैं। तो हमारे हमको दो काम अलॉट हुए हैं फिलहाल। वैसे हम बस 7 बंदे आए हैं, तो 4 बंदे इस टेंट में रहेंगे और 3 बंदे उस टेंट में। तो हमको एक टेंट ये अलॉट हुआ है और एक ये वाला। हाय भाई, हाउ आर यू भाई, लाइट ये ला लो। नहीं भाई, लड़िया की फोटो कैसे आ रही है उस वाले कैंप की? कहाँ से लाते हो ऐसे जानवर? क्या जान रहा भाई को? मैं दिल्ली में जू है, पता है दिल्ली में जू है? नहीं यार। हाँ है, आंसर देखो ना कैसा है। प्रियंका चोपड़ा आया था आई थी। सिंह आई थी, मैंने आई थी, चेंज किया हमने दिन पांचवी, मेरे को पांचवी चाहिए। ओके, तो ये टेंट है भाई। टेंट कैसा लगा तुम लोगों को? बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया, गजब गजब गजब। बाकी तो भाई कल पता चलेगा कि क्या गजब है क्या नहीं है, सब कुछ है। वो क्या चाहिए, लग जाएगा फीलर अच्छा है भाई। बस अड़के ना गिर जाए वही गंद। वो ये हमारा बाथरूम है भाई। फिलहाल खाने का क्या करना है ये बताओ। खाते खाना आप चलो, आप चलो। चप्पल नहीं है बस, क्योंकि शर्मा जी ले गए मेरी स्लीपर। शर्मा जी सीसीएस बनता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऋषिकेश आए थे, कल शटन प्लान बन गया था हम लोगों को 7 बंदों का। तो कल हमने काफ़ी मस्ती की पूल वगैरह पे। तो अभी हम लोगों का प्लान है ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ी देर में लगेगा, उसके बाद गंगा जी पे जाएंगे, वहाँ मस्ती करेंगे। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं कि सब बंदों का क्या हाल है। पहले अपने टेंट में चलते हैं। शर्मा जी क्या हाल है आपके, नींद कैसे आई? बहुत बढ़िया, नींद बढ़िया। बहुत बढ़िया, होश में थे सुबह? हाँ, होश में थे रात में? यस, रात को बहुत होश में थे। ओहो, और इस टेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये बताओ। बकचोदी भरा, मक्खियों ने दुखी कर रखा है। सुबह 6:30 बजे से वेंचर उठाऊं, मक्खी नहीं सुनने देगी। अच्छा, यहाँ बस ये दिक्कत है कि लाइट बाबा आ रही है बाबा जा रही है। हाँ, लाइट वेंचर यहाँ पे वो है, करेक्टर लाइट है, लाइट यहाँ पे करेक्टर ढीला है। तो अभी दूसरे टेंट में चलते हैं, अनिल भाई से मिलते हैं। अनिल भाई खेमो अखिलेश वगैरह वो होंगे तो उनसे मिलते हैं। कोई नहीं है क्या इस टेंट में? तो कोई नहीं है, ये सब कहाँ गए? इस टेंट में कोई नहीं है तो ये रहे सारे आतंकवादी। तो कैसे साले चप्पल लेके आ जाओ, खुद चप्पल लेके नहीं आया? अपने लिए क्या मैं, उसने पहनी हुई ना अखिलेश ने, बैठा हुआ ले उससे। तो गीले में तो जाना पड़ेगा ना, गीले से बचने के लिए चप्पल लेके आया था मैं। पानी से डर लगता है, पानी डर नहीं लगता मगर ये ना गीला, फिर पूरा गीला हो जाएगा ना, फायदा नहीं है। पानी में जले है मेरा कोरा बदन। ग्लैमर। गंगा नदी क्या शांत हो गया? पार जा सकते हैं बड़ी, लेकिन पैर जमा के आराम आराम से जाना पड़ेगा। पैर के दही जमा के जाएंगे, लले पैर उखड़ के आगे बहेगा तो लगेगा पत्थर फाड़ रहे हैं। तो मज़ा आ रहा नहीं आ रहा यहाँ पे?
मजा भाई, मैं क्या पहली बार आ रहा हूँ, मैं कितने साल हो गए यहाँ पे आते। हम लोगों के साथ साथ में तुम्हारे साथ अलग एक्सपीरियंस है वैसे, और अपने वैसे दोस्तों के साथ फैमिली के साथ तो आए हो, दोस्तों के साथ मजा। अच्छा हाँ भाई, अपनी बाइक लेके पहली बार इतनी दूर निकले दिल्ली में तो चला ही रहे 12-13 साल में, और पता नहीं घर वालों ने कैसे जाने दिया, उन्होंने ये कह दिया भाई अब तो बड़ा हो गया, अब तो शादी शुदी हो गई, अब तो डब्बी डालो अभी भी मारते हैं। नहीं बात ये नहीं कि शादी होगी तो बड़ा हो गया, वो तो 35 में करता तब ना हो गया कहने का मतलब ये है कि भाई सुनेगा नहीं, अब तो जाएगा ही, अब कहाँ सुनेगा। मैंने भी जिद बहस कर की तो तब भी आया, वो वैसे नहीं जाने देते। इंडिया में पता नहीं को लोग समझते हैं बाइकर्स बुरे हैं, बात ही नहीं ये इंडिया में है ना, ये जो वैसे बंदे होते ना लोकल। हाँ नहीं वो है ना, एक तो इंडिया के रोड डेवलप नहीं है सबसे बड़ी बात। नहीं वो तो ठीक है, मगर ये ना कि इंडिया में ये भी परसेप्शन बनी हुई है कि जितने भी बंदे बाइक लेके निकल रहे हैं वो या तो चैन स्टेचिंग करते हैं या तो कोई अपराध करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि बहुत से लोग होते हैं सिर्फ प्योर राइडिंग करते हैं, उनको शौक होता है, तो ये अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी ना। कुछ बंदे सिर्फ शौक के लिए बाइक चलाते हैं कि हाँ भाई दिल्ली से वहाँ चलेगा वहाँ चलेगा, ये इनिशिएट आप ही ले सकते हैं। हमने बहुत लोगों ने ले रखा है, हम बस इसके पार्ट हैं। पार्ट बने। हाँ बनाओ, बनाया तो एक को आपसे स्टार्ट किया, चेन बनेगी, चेन बनाएंगे, दो को जोड़ो उसके नीचे दो जुड़ेंगे, दो से और जुड़ेंगे, उससे आपको हमें नीचे आएगा तो ये हमारी राइडिंग है कि दो बंदे जोड़ो, दो बंदे उनसे जुड़ेंगे कैसे जाना नीचे है, कैसे जाना कैसे है यहाँ से, यहाँ से वहाँ से, यहाँ से वहाँ से, वहाँ से और भैया पकड़ियो मैं भी जानती हूँ, फोकस नहीं करो वाह क्या फोकस है फोकस मांग रहा था वे लौट रही है फिलहाल, हाँ अभी तो बहुत धूप होगी, अभी तो जाते हुए देखना कितनी लगेगी, अभी वो फाइनली सुबह जल्दी निकल गए थे ना तो लेट हो गया, अभी तो गर्मी बढ़ेगी, चलो आ लो मैं 2 सेकंड आज बार टाइम का भी देख लो एक बार, हम कहाँ लोग स्टे कर रहे थे, यहाँ हमारा डाइनिंग एरिया था जहाँ पर हम खाना वाना खा रहे थे, लंच डिनर वगैरह हमने किया, बाकी ये सारे कैंप्स हैं, अभी हमें ऊपर जाना है, कैंप तो वैसे बढ़िया था 1100 में, बट था प्राइस के लिए क्योंकि सब चीज़ बेस्ट थी, खाना वाला एक नंबर ए वन क्वालिटी का, बस यहाँ एक ही दिक्कत थी कि पार्किंग की फैसिलिटी नहीं थी, अगर आपका प्राइवेट व्हीकल है तो उसके लिए ये लोग 150 रुपये पर व्हीकल चार्ज कर रहे हैं जो कि गलत बात है। ये पूरी घाटी की कैंप की है, सांस फूलने मेरी आवाज़ से लग रहा होगा आपको क्योंकि चढ़ाई करते हम लोग, क्योंकि नॉर्मली दिल्ली वाले जल्दी करते नहीं है, शांति की तलाश में आते जाते हैं मगर चढ़ाई कर नहीं पाते दिल्ली वाले।
ऑफिस तक पहुँचे तो कम से कम सिर्फ छोटा सा ब्रेक लिया था पेट्रोल के लिए टॉप अप के लिए, तो अभी हम कहीं ऋषिकेश में ढालवाल के पास हैं। अभी जोशी भाई अभी हम कहाँ पे हैं? ऋषिकेश में कहाँ पे? समवेयरिंग ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पे हम लोग, हमने अभी हम सिर्फ फ्यूल टॉप अप के लिए हमने ब्रेक लिया था, अब निकलेंगे सीधा, हम हरिद्वार से पहले रुकने वाले नहीं है। हमारे दो बंदे गए हैं एटीएम से पैसे निकालने, आते हैं चल निकलते हैं पेट्रोल पंप हाईवे। यार गढ़वाली गाना लगाओ ना, मेंशन नाचने का मन कर रहा है। कौन सा गाना? गढ़वाली गाना भाई, गढ़वाली गाना नाचने का मजा ना किसी तरह इसमें लगाओ ना, म्यूजिक बड़ा जोर है। मेरा यूट्यूब चैनल है ना, उसके लिए मैं ब्लॉग्स में आता हूँ। बैक मार की बैक, हाथ में बढ़िया, हाथ में बढ़िया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ऐसे ही कंटेंट और देखना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हाँ बंद कर दिया हो? हाँ बंद कर दिया। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, हम तो बस उड़ा रहे हो गड़े गड़े। हम तो बस गाली दे रहे थे मन मन में। कौन? हम इसको? नमकीन नहीं थी ना?